पुलिस की महिलाओं के प्रति लापरवाही व संवेदनहीनता की घटना सामने आई। महिला का शिकायत मिलने के बावजूद भी पुलिस आरोपी तक पहुंचने की हिचकिचाहट नहीं उठा पाई। गुग्गुस पुलिस के जिम्मेदाराना रवैये से आम नागरिक आक्रोशित है। गुग्गुस अमराई वार्ड की निवासी 30 वर्षीय कविता सरोदी ने सोमवार को गुग्गुस थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने बताया कि अपने पति पद्मभूषण सरोदी ने अपना दोपहिया वाहन सूरज पाजरे को दिया था, लेकिन दो दिन बाद दोपहिया वाहन न मिलने पर पद्मभूषण सरोदी ने अपने दोपहिया वाहन के बारे में पूछा, जिस पर सूरज पाजरे को गुस्सा आया और पद्मभूषण के घर के सामने गाली गलौज करने लगा। महिला ने जब विरोध किया तो महिला के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने गंभीरता ना दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पर गुस्साए आरोपी ने मंगलवार सुबह महिला पर दोबारा हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान अवस्था में महिला थाने में पहुँच कर शिकायत दर्ज कराई। महिला को अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर काफी रोष है। महिला का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आश्वासन देकर ही मामले को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने तत्काल यह कार्रवाई की होती तो यह घटना अगले दिन नहीं होती। 5-6, 5-4 हा कलम लावल्या आणि आज छेडखानीची केस लावायची आहे, ते लोक लावत नाहीत। आज सकाळची घटना, मी दुकानामध्ये दूध आणायला गेली होती तेव्हा त्यांनी मला सीबी कार्ड केली आणि माझं गाऊन फिटून मला मारहाण केली, माझ्या हाताचं ब्लड वगैरे निघालं, तरी हे लोक ॲक्शन घ्यायला काही तयार आहे नाही आणि छेडखानी ही केससुद्धा लावत नाही आहे। माझा गाऊन पकडून त्यांनी माझी छेडखानी केली, तरी हे लोक त्याच्याबद्दल काही तक्रार घेत नाही आहे। या गोष्टीचा मला न्याय पाहिजे आणि माझ्या घरच्या लोकांना जर कमी जास्त झालं तर याचे जिम्मेदार कोण राहणार। BCN न्यूज के लिए गुग्गुस से सदन बाबू रेनकुंटा की रिपोर्ट।